नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपको स्वधा स्तोत्र का पाठ करके बताएंगे और स्वधा स्तोत्र का सरल हिंदी अनुवाद भी बताएंगे। यह बहुत ही दिव्य स्तोत्र है। इसके पाठ करने मात्र से 100 बार श्राद्ध करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, ऐसा यह दिव्य स्तोत्र है। तो चलिए इस स्तोत्र का हम पहले पाठ करते हैं, फिर आपको इसका सरल हिंदी अनुवाद बताएंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारण मात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेय फलं लभेत् स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेच्छ्राद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं पितॄणां प्राणतुल्यात्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्र देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा बहिर्गच्छ मन्मनसः पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहिणां वृद्धिहेतवे नित्या त्वं नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भाव स्रष्टौ च प्रलये तव ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे षट् प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुरासीस्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता इत्येत्वमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत् श्रीब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे ब्रह्माकृतं स्वधा स्तोत्रं सम्पूर्णं। तो चलिए इस स्तोत्र का हम अर्थ जानते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानव तीर्थ स्नायी हो जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध काल और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वह 100 श्राद्धों का पुण्य पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है उसे विनीत
पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। देवी, तुम पितरों के लिए प्राणतुल्य हो और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर जाओ। सुव्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल के समय तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। तुम ओम नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन छह स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन छहों की मान्यता है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्षस्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी गई। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। यह भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और वह वेद पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। ऐसा यह दिव्य स्तोत्र है। तो यह था स्वधा स्तोत्र। यहाँ पर हमने आपको स्वधा स्तोत्र का पाठ करके भी बता दिया है और आपको इसका हिंदी अर्थ भी बता दिया है। तो अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो कृपया आप सभी इस स्तोत्र का नित्य पाठ करें। इस स्तोत्र के पाठ करने मात्र से आपके सभी पितृदेव प्रसन्न हो जाएंगे और आपको उनका प्रसन्नता पूर्वक आपको वह आशीर्वाद देंगे। तो कृपया आप इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। अगर पाठ करने में कोई कठिनाई हो रही हो तो आप इस स्तोत्र का श्रवण भी कर सकते हैं, इसे सुन भी सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।